कॉमेडियन गुलकार चाहत फतेह अली खान ने सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी की तनकीद का जवाब देते हुए कहा है कि अदाकारा ने खुद बतौर मजाहिया फनकार करियर शुरू किया, लेकिन अब वो इन पर तनकीद कर रही हैं। शायद अदाकारा को लग रहा है मैं इनकी जगह छीन रहा हूँ। चाहत फतेह अली खान ने जियो टीवी को इंटरव्यू देते हुए बुशरा अंसारी की तनकीद पर रद्दअमल दिया और दावा किया कि जब वो बच्चे थे तब से बुशरा अंसारी काम करती आ रही हैं और शुरू में वो भी दूसरों की नकल उतारा करती थी और मजाहिया गाने गाती थी। उनका कहना था कि वो बुशरा अंसारी समेत इन जैसे दूसरे बड़े फनकारों और गुलकारों की खुद पर होने वाली तनकीद सुनकर और देखकर हैरान रह जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि वो इन पर तनकीद क्यों करते हैं। चाहत फतेह अली खान के मुताबिक बुशरा बाजी जो इतनी बड़ी फनकारा हैं, अब इन्होंने भी इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, हालांकि खुद इन्होंने दूसरों की नकल उतार कर करियर का आगाज किया था। इन्होंने बुशरा अंसारी को मुखातिब करते हुए इनसे पूछा कि क्या इन्हें याद नहीं कि वो मजाहिया गाने गाकर और दूसरों की नकल उतार कर अदाकारी करती रही हैं। उनका कहना था कि वो तो खुद अपने गाने लिखते गाते और तैयार करते हैं जिनसे लोग लुत्फंदोज होते हैं। चाहत फतेह अली खान ने बुशरा अंसारी को मुखातिब करते हुए मजीद कहा कि अगर इन्हें इनके गाने बुरे लगते हैं तो वो इनके साथ भी गाना गाने को तैयार हैं। इन्होंने कहा कि शायद बुशरा अंसारी को लग रहा है कि वो इनकी जगह छीन रहे हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ख्याल रहे बुशरा अंसारी ने चंद दिन कबल जियो हंसना मना है में चाहत फतेह अली खान की गुलकारी पर रद्दअमल देते हुए इनकी गुलकारी को गानों का इस्तेसाल करार दिया था। बुशरा अंसारी ने मजीद कहा था कि इन्हें लोगों की जहनियत पर भी अफसोस होता है कि वो किस तरह की चीज़ों को वायरल कर देते हैं। इन्हें ज़ाती तौर पर गानों का इस्तेसाल और गानों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं है।